जितना भी देख रहे हो ये पूरा मिथिला कल्चर है, मिथिला कला कल्चर आप लोग देख सकते हैं। इसका साथ साथ में म्यूजिक होता तो मज़ा आ जाता ना। ये एडवांस तरीके से आपको ये गेट भी बना है, अगर कोई भी विदाउट स्कैनिंग आप सामान अगर लेकर जाएगा तो यहाँ पे बीपिंग होगा। पार्किंग चार्ज लिंक, पार्किंग चार्ज लिंक लीजिए ना। दिख रहा है ना वही भाट भटेनी है। अभी मेला जैसा लग रहा है, देखो ज्यादा लोग आ रहा है घूमने के लिए क्योंकि नया नया अभी ओपन हुआ है धनुष। वाव, वाटर फाउंटेन देखो, यहीं पे देखने के लिए मिलेगा वाटर फाउंटेन। और ये साइड में पूरा बाइक देखो यार, क्या है, अभी अभी ओपन हुआ है और दुनिया भर से लोग आता है यहाँ पे। हाँ देखो, ये नेपाल जनकपुर का सबसे बड़ा मॉल, मॉल कह सकते हो ये, है ना। चलो अंदर ही बोल रहा है, अंदर ही लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पे पार्किंग चार्ज लेता होगा ना, फिर पार्किंग चार्ज फ्री है या क्या है वो बाद में जाकर पता चल। पार्किंग चार्ज लिंक, पार्किंग चार्ज लिंक लीजिए ना। आहा, ए सी ए, 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 ए। सीधा पता ब्रदर, ठीक छ ठीक छ, यो देख रहा देख रहा देखा रहा है। मॉल के अंदर जाने के लिए दो है, मतलब एक स्टेयरकेस का रास्ता, एक लिफ्ट वाला रास्ता से आप मॉल के अंदर जा सकते हो। आ जाओ आ जाओ, पहले बाहर घूम लेते हैं। देखो वाटर फाउंटेन, जाओ तो बेबी उधर। वाओ, ओके गाइस, ये ऊपर का पार्किंग एरिया है और ये वाटर फाउंटेन हो गया, ठीक है। भाट भटेनी जनकपुर का सबसे बड़ा मॉल कह सकते हो ये, ओके। इंट्रांस ही है, एग्जिट भी यही है, एक साइड में इंटर कर सकते हो, एक साइड से बाहर आ सकते हो, और अंदर भी अंडरग्राउंड में पार्किंग बनाया हुआ है। तो चलो हम लोग अभी जाते हैं घूमने के लिए मॉल का अंदर। क्यों, हेलो, क्यों बैग और कता रख से भाई ये, ओके ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी बना दिया है यहाँ पे। तो मैं कैच कर तुम्हें ये मैं देखा, यहाँ पे लकर बना दिया है, लकर में अपना सामान रख सकते हो। दीदी दीदी, ओके थैंक यू, लकर में सामान रख के आप घूम सकते हो, ओके। तो चलो अंदर चलते हैं, घूमते हैं, यानी कि पूरा एडवांस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया होगा, है ना। जैसे कि ये साइड में देखो, पूरा एक साइड से फूड एरिया हो गया, देख सकते हो, चॉकलेट बिस्कुट ये इस सेक्शन हो गया, चल भी है। और इधर हाँ नीचे ग्रोसरी आइटम ज़्यादातर रखा हुआ है ना, वही है। यहाँ पे देखो डेयरी मिल्क, चॉकलेट, ये साइड में विस्की, रम, बियर वगैरह वगैरह इधर। चलो चलो ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे सामान रखने का लॉकर बना दिया भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, और पूछो यहाँ पे तो लोग आके फोटो ही खिंचा रहा है। ये भाड़ा बर्तन का सेक्शन हो गया है ज़्यादातर, देखो यहाँ पे
है ना, किचन का आइटम पूरा हो गया यहाँ पे। वाह ऑसम, क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। भगवान का फिर दे रहे ना, बढ़िया है यार। बहुत ही मतलब कि एडवांस और सिस्टमेटिक तरीका से अभी ये बना दिया है यार। चलो एक जीट यहाँ पे हर फ्लोर में एलिवेटर और लॉकर रख दिया है। बैग रख सकते हो, कोई भी सामान अगर खरीदते हो तो यहाँ पे रख सकते हो और विजिट कर सकते हो आप लोग। हाँ ये कपड़े का, लेडीज जेंट्स सारे चीज़ हाँ। लेकिन कितना एडवांस तरीके से पूरा बना दिया ना, नीट एंड क्लीन लग रहा है यार। भाई पाकिस्तानी गाइज कमेंट करना ठीक है, ये हम लोग नेपाल का मॉल में अभी विजिट कर रहे हैं। आप लोग बोल रहा था कि नेपाल में ऐसा मॉल ही नहीं हो सकता है, तो देखो भाई पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान इंडिया के जितने भी लोग देख रहे हो देख सकते हो, ये एक फ्लोर में है, ये पूरा कपड़े का है। हर तरह का कपड़े आपको ब्रांडेड कपड़े मिल जाएगा, कैप्स मिल जाएगा, लेकिन हर तरह का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, जो हर तरह का लोग खरीद सकता है ना। तो मतलब कि हर फ्लोर में ऐसा लॉकर रख दिया है, सामान खरीदो अगर घूमना चाहते हो तो इधर रखो उसके बाद घूमो, है ना। ओ वाले हाँ, ये फैशन सेक्शन है। यहाँ पे जूता चप्पल क्या और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखा है यहाँ पे, देखो बड़े बड़े डिस्प्ले। हाँ वॉशिंग मशीन ना, एसी, फैशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। देखो ये एडवांस तरीके से आपको ये गेट भी बनाए, अगर कोई भी विदाउट स्कैनिंग आप सामान अगर लेकर जाएगा तो यहाँ पे बीपिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। जो कितने लोग आ रहे हैं, वाह इस सेक्शन में। हाँ यार आप आएगा तो इधर नाश्ता खा सकते हो, फूड। वाह फूड कोर्ट भाई, काफ़ी बढ़िया लगा भाई, है ना। देखो आओ घूमो फैमिली के साथ, आराम करो। ये जितना भी देख रहे हो ये पूरा मिथिला कल्चर है, मिथिला कला कल्चर आप लोग देख सकते हो। हाँ वाह ये साइड में जितने भी है ना बच्चे लोगों का खेलने का सेक्शन है भाई, बड़े लोग भी खेल सकते हैं, देखो खेल रहा है ना। गेम मतलब कि काफी डेकोरेट तरीके से बनाया है यहाँ पे, हर तरीके से प्लेग्राउंड है, किड्स प्लेग्राउंड है। चलो आप लोग पूरा फैमिली बच्चे लोगों का साथ भी आ सकते हो, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। इंडिया का लोग तो नहीं आएगा लेकिन हाँ जनकपुर साइड का जितने भी लोग है आ सकता है, अगर कोई जनकपुर घूमने आता है ना तो आ सकते हो, भाट भटेनी में यहाँ पे घूम सकते हो आप लोग। ओके ये साइड में फूड सेक्शन है, देखो
खाना खा सकते हो। मतलब यहाँ पे भी बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, लाइन लगना पड़ेगा खाने के लिए भी, इतना ज़्यादा भीड़ है। ये चार फ्लोर में आप लोग ये फूड सेक्शन मिल जाएगा आप लोग जो। ओके ऊपर हाई फ्लोर, हाँ स्केट पार्क ऊपर, हाँ तिरलोक आएगा तो ये खूब खेलेगा यहाँ पे। ऐसा दुबई में देखने के लिए मिलता था, यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखो यार स्केटिंग, मतलब कि आप नया है फिर भी मुश्किल नहीं है, सीख सकता है। देखिए प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे है स्केटिंग करता एक घंटा को रूप दुई से मात्र लगने से एक घंटा पति थप समय सही मात्र। ओके मतलब कि आप स्केटिंग करेगा तो स्टार्टिंग में 200 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद एक एक सौ फिर के आप इंजॉय कर सकते हो। चलो देखिए आप देख सकते हो ये 5 फ्लोर का मॉल है, हर फ्लोर में अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि फैशन, गेम और किचन सेक्शन, ग्रोसरी सेक्शन और स्केटिंग, फूड कोर्ट, सारे चीज़ यहाँ पे बनाया है भाई। मतलब कि मॉल में जो होना चाहिए वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। तो मुझे ये मॉल सच में बहुत बढ़िया लगा और ये जनकपुर का सबसे बड़ा मॉल है ये। ओके सबसे बड़ा मॉल है ये, सिटी से थोड़ा दूर है, मुजलिया एक गांव है उस साइड में है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आके शॉपिंग कर रहा है, आप लोग देखा ही होगा है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मैं क्या बताऊँ। ओके तो हम लोग अभी यहाँ से अभी निकलते हैं, बाय बाय टाटा कर दो था। ओके बाय।